मुहर्रम की जुलूस, ये आर कोठा रोड है और ये अकड़ी गोला का चार मुहाना है नहर के पास, ये आर कोठा रोड है। उस रोड की तरफ आपको ये तजिया खड़ा हुआ दिखेगा, इधर से तजिया आएंगे और रोड के इस तरफ यानी कि नहर के रास्ते वाले में जो अकड़ी गोला रास्ता जाता है, ये जुलूस उधर से आ रही है और ये जुलूस फिर इधर से होकर आर कोठा रोड की तरफ जाएगी, फिर उधर से लौटेगी तजिया के साथ और फिर ये इधर चार मुहाने पर आकर इकट्ठा होंगे। देखिए डीजे वीजे बाजे गाजे के साथ सब तैनात हैं और जुलूस निकल चुकी है, लेकिन पहले ये जुलूस वो तजिया जिधर रखा हुआ है खड़ा है आर कोठा रोड पर, उस रोड पर जाएगी और वहाँ से फिर रिटर्न आएगी यहाँ पर चार मुहाने के पास। आप देख सकते हैं जुलूस जा रही है उधर आर कोठा रोड पर, ये आर कोठा रोड पर जा रही है जहाँ पर तजिया उधर खड़ा किया गया है उधर लास्ट में, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर तजिया बना कर रखे गए हैं। और आप ये देख सकते हैं ये चार मुहाना का दृश्य है, यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी सारे तैनात हैं, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। ये विशाल झंडा आप देख सकते हैं और ये मज़ार है जो अकड़ी गोला के चार मुहाने के पास ही है और इस मज़ार से होकर गुजरेगी जुलूस। तो ये जुलूस अभी आने की तैयारी हो रही है, सभी लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं जुलूस की ही, तो यहाँ से अभी जुलूस आकर गुजरेगी। अभी देखिए ये सारे के सारे रथ जितने भी ये तजिया हैं सो चल पड़े हैं वहाँ से, बहुत ही खूबसूरत तजिया बनाए गए हैं। देखिए आगरा का ताजमहल है और इसी तरह के कुछ तजिया बनाए गए हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी खर्च किया गया होगा इस पर और ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है। और पीछे से एक और तजिया आ रहा है, इस तरह से करके और भी तजिया हैं, चार या पांच हैं, देख लेते हैं कितना है। एक पीछे से एक और तजिया आया, ये काफ़ी लंबा है, विशाल है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और ये सबसे खूबसूरत ये तजिया है जिसको आप देख सकते हैं आपके सामने है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसे। सारे के सारे तजिया खूबसूरत हैं और ये सारे तजिया जुलूस के साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ से अभी जुलूस डेहरी रोड की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं सारे के सारे तजिया डेहरी रोड की तरफ मुड़ रहे हैं और वहाँ से होकर जुलूस गुजरेगी और वो जो ब्लॉक है अकड़ी गोला का शायद वहाँ तक जाएगी या वहीं से रिटर्न चली आएगी। तो हम अब डेहरी रोड की तरफ चलते हैं। तो हम अभी आपको डेहरी रोड की तरफ जाकर आपको इसका नज़ारा दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से जुलूस जा रही है। ये डेहरी रोड की तरफ चल दिए हैं ये लोग, जुलूस चल पड़ा है डेहरी रोड की तरफ और ये हम आ गए अभी डेहरी रोड की तरफ। तो ये डेहरी रोड है और आप देख सकते हैं इधर से जुलूस वहाँ से चला आ रहा है। चलिए हम नज़दीक चल के देखते हैं थोड़ा, ये है नज़दीक आ गए हम और ये मैं ऊपर से ले रहा हूँ छत पर से चढ़कर, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और ये सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं जुलूस के आगे आगे और ये जुलूस के साथ साथ भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी अनुशासन है इस जुलूस में, यहाँ पर कोई भी गलत कार्रवाई नहीं हो रही है या हल्ला गुला शोर और सब नहीं हो रहे हैं, बस शोर है तो बाजे गाजे का और बहुत ही अनुशासन पूर्वक। आप देख सकते हैं कि तिरंगा भी लहरा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुसलमान भाइयों के दिल में भी हिंदुस्तान के लिए उतना ही जगह है जितना कि हिंदुओं के दिल में। और सच पूछा जाए तो मैंने रामनवमी का भी वीडियो बनाया था लेकिन रामनवमी में कहीं हमने इंडिया का झंडा नहीं देखा था और यहाँ पर इस जुलूस में इंडिया का झंडा भी देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अपने झंडों के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के झंडे को भी लेकर चल रहे हैं, उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना महत्व ये अपने झंडों को दे रहे हैं। देखिए एक ही नहीं कई सारे झंडे हैं यहाँ पर, हिंदुस्तान के झंडे लहरा रहे हैं और ये जुलूस आप देख रहे हैं कि पूरे
पूरे जोर शोर से मिस जोश में हैं और हुसैन हुसैन की गुहार लगा रहे हैं, और सारे के सारे बहुत ही जोश में हैं और काफ़ी खुशी है इस साल इन लोगों के बीच, क्योंकि कई सालों से कोरोना की वजह से जुलूस निकल नहीं पा रहा था, तो इस साल इन लोगों ने निकाला है, जुलूस निकला। पिछली बार मतलब इससे पहले रामनवमी की जो जुलूस निकली थी वो भी पहली बार ही 2 साल में पहली बार निकली थी, तो काफ़ी भीड़ थी। मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया भी था, मेरे चैनल पर अपलोड भी है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस साल 2 साल के बाद ये जुलूस निकल रही है, तो काफ़ी उत्साह के साथ और हर्षोल्लास के साथ ये जुलूस निकली है। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, काफ़ी भीड़ है और झंडे झंडे दिख रहे हैं चारों तरफ, और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डीजे है, बहुत ही बड़ा डीजे लगा है। देख सकते हैं आप तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है सभी झंडों के बीच में, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है हमें और आपको भी खुशी हो रही होगी, और सबको उत्साहपूर्वक झूमता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब कोरोना की वजह से 2 सालों से ये सब कुछ कर नहीं पाए थे तो इस साल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये तजिया फिर से यहाँ पर दिख रहा है, आपको मैंने पहले भी दिखाया था, आप अभी अच्छी तरह से देख लीजिए ये कितना खूबसूरत है। मुझे तो सारे तजियों में ये तजिया जो है बहुत ही खूबसूरत लगा, और काफ़ी खूबसूरत है ये, काफ़ी पैसे खर्च किए गए हैं इन सारे तजियों को बनाने में, और बहुत ही सुंदर है, मन को मोह लेने वाला है। दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।